नमस्कार दोस्तों, 3 BHK का फ्लैट लेके आया हूँ आपके लिए। और ये कॉर्नर प्रॉपर्टी है, द्वारका सेक्टर 8 में बी ब्लॉक है। इसके जो सामने रोड है वो 50 फुट चौड़ी रोड है और काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है। कॉर्नर है, लिफ्ट क्या है इसके अंदर, कार पार्किंग भी है और जो प्रॉपर्टी बची हुई है इसमें एक ही फ्लोर बचा हुआ है और वो है 3रा फ्लोर। अंदर से पूरा रिनोवेट करवाया हुआ है, पुरानी कंस्ट्रक्शन है लेकिन अंदर से कंप्लीट नया काम हुआ है। आप आगे आगे वीडियो देखिएगा, सारी डिटेल पता लग जाएगी। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, उसको ज़रूर चेक किया कीजिए, सारी डिटेल होती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्राइस होती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इस फ्लैट में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो सब कुछ है। प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना आप वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सिंह आपके लिए एक और प्रॉपर्टी की वीडियो लेके आया हूँ, जो कि द्वारका सेक्टर 8 के बी ब्लॉक में है। जो सामने रोड है वो काफ़ी चौड़ी रोड है, सामने 50 फुट चौड़ी रोड है और पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको कार पार्किंग मिल जाता है और लिफ्ट भी मिल जाती है आपको, तो उसके लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बिल्डिंग बिल्कुल नए तरीके से ही बना हुआ है और ये जो बिल्डिंग है ये पुरानी ही कंस्ट्रक्शन है, अराउंड 3 साल के आसपास पुरानी होगी। और इसमें सारा काम रिनोवेट करवाया हुआ है, आप जो भी काम अंदर देख पा रहे हैं ये सारा काम नया हुआ है, कोई भी काम पुराना नहीं है। POP, वायरिंग, एवरीथिंग ये नया है, सारा काम नया करवाया है। सेंसर्स वाली लाइट भी लगा रखी है वॉशरूम्स के अंदर, आप जाएंगे तो अपने आप डिटेक्ट होके ऑन हो जाएंगी। गैस हॉब लगा रखी है हमने और जो चिमनी भी लगा के दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और जितना वुडवर्क आप देख पा रहे हैं सारा नया हुआ है इसके अंदर। और इसमें एक सबसे ख़ास बात कि ये 2 बालकनी वाला फ्लैट है, एक बालकनी में आप वॉशिंग एरिया बना लेंगे तो दूसरे साइड वाला जो है वो नॉर्मल आप बालकनी की तरह यूज़ कर पाएंगे। ये जो फ्लैट है ये 3 बेडरूम का है, जैसा आपने डिस्क्रिप्शन से पहले ही पढ़ लिया होगा। 3 बेडरूम है, इसमें 2 वॉशरूम है, एक हॉल है, 2 बालकनी है और एक किचन है, लिफ्ट है और कार पार्किंग के साथ है ये फ्लैट। और ये जो बिल्डिंग है इसकी जो फेसिंग है वो साउथ फेसिंग बिल्डिंग है, दिन भर की धूप रहेगी, ईस्ट साइड से भी खुला है वहाँ से भी धूप आएगी और साउथ साइड से भी धूप प्रॉपर मिलेगी इसमें आपको। और जो फ्लैट की एंट्री है वो नॉर्थ साइड की है, नॉर्थ फेसिंग है। दोस्तों मेरे पास सिर्फ यही फ्लैट नहीं, मेरे पास और भी बहुत फ्लैट हैं और इस फ्लैट की जो प्राइसिंग है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, सारा मैंने लिखा हुआ है। और मेरे पास जो पुराने फ्लोर हैं वो 95 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर लिफ्ट भी होती है, कार पार्किंग भी होती है और अपने पास ऑप्शन जो है वो बहुत सारे हैं, आपको मिल जाएंगे ऑप्शंस। नया लीजिएगा तो वो 1 करोड़ 15 लाख से स्टार्ट होके 1 करोड़ 30 लाख तक का रेंज है मेरे पास। ये मैंने अभी जो रेट बताया आपको ये 120 गज वाले प्रॉपर्टी की बताया है, 120 गज में जो 3 BHK बनाते हैं। बाकी 210 गज में जो 3 BHK है वो नया प्राइसिंग स्टार्ट होता है 1 करोड़ 60 लाख से। और हमारे पास जो ऑप्शंस है द्वारका सेक्टर 8 में 2 करोड़ 30 लाख 35 लाख तक ऑप्शन है मेरे पास। इसके अलावा 72 स्क्वायर यार्ड में मेरे पास स्टार्ट हो जाता है रेंज 50 लाख से, 50 से लेके 60 लाख के बीच में आपको मिलेगा, जिसमें कार पार्किंग नहीं होगी, लिफ्ट भी नहीं होगा, ऐसा कुछ होता है ऑप्शन। और हाँ, 60 लाख से ऊपर अगर आप जाएंगे तो बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, 60 से 65 के बीच में आपको पुराना ऑप्शन अच्छा मिल जाएगा मेरे पास, जो लाइक अ न्यू होगा, रिनोवेटेड होगा। नया लीजिएगा तो वो 70 लाख से स्टार्ट होके और 80 लाख तक का रेंज जाता है मेरे पास। और कर लेंगे नेगोशिएशन इसके अंदर, हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस पड़े हुए हैं 2 BHK में भी, 3 BHK में भी, 4 BHK में भी, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग है मेरे पास फ्लोर्स। और जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं ये DDA से अप्रूव्ड है और मेरे पास मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो DDA से अप्रूव्ड प्रॉपर्टी होती हैं, इसके अलावा हम लोग काम करते ही नहीं हैं अनऑथराइज्ड के अंदर। और दोस्तों जो भी यहाँ पे डाल रहे हैं 70 लाख 75 लाख में 3 BHK दे रहा हूँ, 100 गज में दे रहा हूँ, दोस्तों कम्प्लीटली सेक्टर 8 का नहीं है, मैं बता रहा हूँ अनऑथराइज्ड का डालते हैं लोग। यहाँ पे जो है सेक्टर 8 में कटिंग ही 120 गज की है, जो DDA ने काटे हैं वो अप्रूव्ड फ्लैट नहीं है, प्लीज़ आप वो देख के जाना अगर कहीं भी आप जाते हो तो। यहाँ पे 72 स्क्वायर यार्ड की कटिंग है, इसके बाद 120 गज है, फिर 210 और 250 गज, ये 4 कटिंग ही है सेक्टर 8 में। इसके अलावा जो कोई देता है आपको 100 गज 70 गज या बीच में कुछ भी देता है, जो रेट थोड़ा सा लगे आपको कि हाँ यार ये रेट नहीं है यहाँ का, तो दोस्तों प्लीज़ आप समझ जाना हो कैसी प्रॉपर्टी है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आने वाले टाइम में बहुत वीडियोज़ आने वाली है इस चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।